रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर गलीब बॉय ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। 92वें ऑस्कर अवार्ड्स में यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में भेजी गई थी, लेकिन जोया अख्तर के निर्देशन में बनी गलीब बॉय शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों में अपनी जगह नहीं बना पाई। गलीब बॉय की लिस्ट में जगह न बनाने की वजह से लोग निराश हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म को ऑस्कर में भेजने पर अपना गुस्सा भी जता रहे हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि फिल्म का कंटेंट ओरिजिनल नहीं था और यह हॉलीवुड फिल्म 8 माइल की कॉपी थी, जिसके कारण इसे ऑस्कर से बाहर होना पड़ गया। रंगोली ने भी उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की बहन रंगोली ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म 8 माइल की कॉपी थी। यहाँ के मूवी माफिया चाटुकार के कहने से क्या होता है, यह उरी और मणिकर्णिका की तरह ओरिजिनल कंटेंट नहीं था। हॉलीवुड अपनी ही फिल्म की कॉपी किए जाने पर क्यों अवार्ड देगा? सोशल मीडिया पर भी हो रही आलोचना। कई सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म के चयन पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि गलीब बॉय की जगह अंधाधुन को ऑस्कर में भेजा जाना था क्योंकि उसका कंटेंट ओरिजिनल था। एक यूजर ने लिखा, यही होता है जब एक ऑथेंटिक रीजनल मूवी की जगह कमर्शियल कॉपी मूवी को ऑस्कर में भेजा जाता है। एक और यूजर ने लिखा, कॉपी की गई मूवी गलीब बॉय ऑस्कर की रेस से बाहर, इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक बात, क्योंकि कई अवार्ड देकर इन्होंने फिल्म के चयन को सही ठहराने की कोशिश की। एक यूजर ने लिखा, इंडिया ने एक और मौका खो दिया। एक एंडमी अवार्ड्स में ओरिजिनल विदेशों फिल्मों को जगह दी जाती है, हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी फिल्मों को नॉमिनेशन तक नहीं दिया जाता है। 8 माइल से हुई गली बॉय की तुलना, गली बॉय के रिलीज के वक्त भी इसके हॉलीवुड फिल्म 8 माइल की नकल होने की बात सामने आई थी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आए थे जिसमें गली बॉय और 8 माइल के सीन्स में समानता दिखाई गई थी। ऐसे में गली बॉय की निर्देशक जोया अख्तर ने सफाई देते हुए कहा था कि जब भी कोई फिल्म आती है तो ऐसे कंपेरिजन होना आम बात है, यह फिल्म किसी फिल्म की कॉपी नहीं है। 8 माइल 2002 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एनिमेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में एनिमेन एक रैपर की भूमिका में थे जो कि गरीबी के कारण एक कार फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अपने रैपर बनने के सपने को नहीं छोड़ता। एक दिन उसका दोस्त उसे एक रैप बैटल में हिस्सा लेने को कहता है जिसे वह जीताता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपए की कमाई की थी।